देश में हर साल 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें करीब 1.5 लाख लोगों की जान जाती है और करीब 3 लाख लोग वो होते हैं जो कि घायल होते हैं इन हादसों में। ये जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से दी गई है। हरियाणा के नूह में पिछले कुछ सालों में सड़क हादसों में बढ़ोतरी हुई है या फिर कमी हुई है, बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। देश भर में सड़क हादसों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। प्रशासन हादसों पर काबू करने में असमर्थ नजर आ रहा है। हरियाणा की बात करें तो यहां सड़क हादसों का आंकड़ा आसमान छू रहा है। पुलिस विभाग लोगों को सड़क नियमों के बारे में समय समय पर जागरूक करता रहता है, लेकिन फिर भी सुधार देखने को नहीं मिला है। नूह के DSP अनिल कुमार ने बताया कि वर्ष 2018-2019 में सड़क हादसों की संख्या में बहुत कम बढ़ोतरी हुई है। देखिए, हमारा अभी 1 जनवरी से और 7 जनवरी तक पूरे राष्ट्रीय लेवल पे सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है और हमने अपने जिला के अंदर 1 तारीख से लेके और 7 तारीख तक और इवन अभी भी हम जागरूकता हमारा अभियान चला हुआ है। इसमें हमने ड्राइवर्स को और जो स्कूलों में जाके और ड्राइवर की आँखों का चेकअप कैंप वगैरह भी लगवाए हैं। तो हमारी प्रशासन की सतत ये प्रयास है कि रोड एक्सीडेंट्स में किसी की जान ना जाए, क्योंकि ये बहुत ही दुखद और एक आकस्मिक घटना होती है। हरियाणा के नूह में पिछले कुछ दिनों में हादसों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। सबसे पहले आपको बताएंगे साल 2018 के हादसे। साल 2018 के हादसों में अगर जिला नूह की बात की जाए तो यहां पर 557 सड़क हादसे हुए, 239 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो वहीं घायलों की संख्या की बात करें तो 599 लोग घायल हुए थे। वहीं बात करें साल 2019 के हादसों की तो यहां पर 560 सड़क हादसे हुए, 237 लोगों की मौत हुई, वहीं 562 लोग घायल हुए। गुरुग्राम अलवर नेशनल हाईवे को लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों की वजह से खूनी सड़क का नाम दे दिया गया। आम आदमी से लेकर सरकार भी इस मामले में गंभीर दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मौत के आंकड़ों में अंकुश लगने का नाम नहीं है। खबरें अभी तक के लिए नूह से कासिम खान की रिपोर्ट।